सामने में रोड भी था, तो ये भाई ने पीछे से बाइक रोकी है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तब ऐसे ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बेहतरीन होंगे। अलहमदिल्ला जी, हमारा मसला जो था हल हो गया, गाड़ी वाला बायोमेट्रिक हो रही है, अभी हो जाएगी। तो मैं खड़ा हूँ सदी शोरूम पर, तो आपको भी दिखाते हैं आज बाइक्स, देखें बड़ी महंगी महंगी हो गई हैं। मेरे 4-5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो गई है ये। मेरा बड़ा दिल है इस मोटरसाइकिल का, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है, सॉफ्ट मोटरसाइकिल है ये ना, इसकी शाकर शोक है ना बड़ी अच्छी होती है। खैर अब तो हमने यहाँ रहना ही नहीं, तो फिर हमने क्या करनी इस मोटरसाइकिल का। लेकिन मेरा प्लान था इस वाले कलर में लेने की ना, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, सिल्वर। ब्लैक भी अच्छा है लेकिन सिल्वर ज़्यादा प्यारा लगता है। बाकी जिस भाई ने मोटरसाइकिल चलाई है, कमेंट से मुझे ज़रूर बताना बाइक कैसी है, अच्छी है या नहीं, मुझे ज़रूर बताना। लेकिन फिलहाल तो इलेक्ट्रिक बाइक लेने का मूड हो रहा है, तो मैं इधर देख रहा हूँ वेयर हाउस में इनके गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं, काम शाम है कोई नहीं, दुनिया जान की गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं इनके वेयर हाउस में। ये सब कि साउथ पंजाब है, मॉडल टाउन ब्रांच, ये देखें गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ये सारा माल बिक ही नहीं रहा, काम शाम इतने ठंडे हुए पड़े हैं, बेड़ा गर्क हुआ काम का। ये है जी आल्टो VXR ऑटोमेटिक वाली ना, इसके अंदर पहले VXL थी ऑटोमेटिक, अब इन्होंने VXR भी ऑटोमेटिक कर दी है, गाड़ी लॉक है। तो इसके अंदर क्या दिया, अच्छा ये वाले मिरर दे दिए डिटेक्टर में इसमें, और इसमें क्या दिया हुआ है, ऑटोमेटिक कर दिए, यानी कि अलारिम उसमें भी नहीं आते, नहीं VXL में अलारिम शायद आते हैं। हाँ इसमें चेंजिंग की है, पैसा नीचे कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए पैसा ना। अब चार वेरिएंट हो गए आल्टो के अंदर, पहले VX थी, VXR, VXL, फिर VXR ऑटोमेटिक, यानी कि 4-5 वेरिएंट कर दिए ना आल्टो के अंदर ही, यानी कि इतनी इन्होंने की। वे बार चलते हैं जी शोरूम, आप देखते चले। वैगन आ रही, यानी कि स्टॉक इनके पास इतना खड़ा हुआ है, देखने का नाम ही नहीं ले रहा, इतना काम इनके ठंडे हो गए, इनके क्या सब की हो ना, पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा। चलते हैं सीधा और काम शाम देख लें, कर लें। ये देखें शोरूम, ठीक है, अपनी गाड़ी वहीं खड़ी थी, गाड़ी भी मैली कुचैली हो रही थी अपनी, उसको भी देखते हैं, अगर बम्पर ठीक कराना तो फिर करा लेते हैं, नहीं कराना तो बाद से करा लेंगे, खड़ी गल है। भुख लग रही है मैंने बड़े जोर दी, जाके पहले नाश्ता नुश्ता करिए, सुबह 10 बजे तक मैं इधर बैठा हुआ स्टाम्प पेपर करके, दो इनको पता नहीं इनकी ड्रामेबाजी नहीं ख़त्म होती ना, वो तो ड्रामेबाज आया है जिसको गाड़ी बेची है, ये उनसे बड़े ड्रामेबाज हैं। ड्रामेबाजी क्या है जी इनकी, अंडरटेकिंग लिख के दो जी कि आज से पहले के जिम्मेदार आप थे, क्योंकि 2021 मॉडल था ना, 2 साल गाड़ी चलाई है अपलाइड फॉर, जिनसे मैंने ली थी और जिनको मैंने दी, सब ये अलग रहे, मैं सब पूरे पूरे हैं। बहरहाल इनको स्टाम्प स्टूम कर दिया, ये देख लें अंगूठा भी लग गया। अब मैंने कहा भाई अब तो कोई सर में दर्द नहीं करोगे, कहते नहीं जी अब सर में दर्द नहीं करते, ट्रैकिंग आईडी वो एक्सपायर हो गई थी, दूसरी ट्रैकिंग आईडी मंगवा दी इनको। बार इन शॉर्ट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो गया, अल्लाह खैर करेगा, अगले की भी ज़रा ट्यूनिंग शूनिंग कर दी, इनकी भी कर दी, सबकी ट्यूनिंग शूनिंग हो गई है। अब चल रहे हैं सीधा नाश्ते पे, नाश्ता सोच रहा हूँ नाश्ता क्या करूँ, राइस खा खा के ना, राइस जैसे ही हो गया हूँ मैं, बार देखते हैं क्या खाते हैं। आप लोग रहे जी साथ साथ भाई, ध्यान से शूटर बन के आते हैं, लगेगा तुम लोगों ना इधर देखे ना साइड वाले मिरर में, शूटर बन के आते हैं पीछे से, एक मिनट का आसरा नहीं करती अब हम, चलो हम तो आसरा कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो भाई तू भी तो आसरा नहीं करता, भाई हम तो आसरा कर लेते हैं मेरा भाई, क्योंकि हमारी गाड़ी तो वैसे प्लास्टिक की है, इसको कुछ होता है ना, हमें कुछ कुछ हो जाता है। ये देखें रुक ही नहीं रहे भाई, रुक ही नहीं रहे। आज एक बंदा ना पूछ रही है मुझे, रूतर के ना मीनाकारी करने लग गया, भाई जी गाड़ी बेचनी है, मैं कहा नहीं भाई हमने गाड़ी नहीं बेचनी, कहता बताओ जी कितने पैसे, मैंने कहा 40 लाख कर रहा ठीक है डन, और मैंने कहा मैंने नहीं बेचनी भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, हमने नहीं बेचनी है गाड़ी। गाइस आप लोग क्या कहते हैं, गाड़ी बेचें या ना बेचें, हमने तो नहीं बेचनी। जा रहे हैं सीधा नाश्ता कर लें यार, अल्लाह की कसम पानी पी के ना पेट ही फूल गया, डिगारे आई जा रही हैं फजूल की, बाहर चलें। गाइस अभी आपके सामने में रोड भी था, तो ये भाई ने पीछे से बाइक रोकी है। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तब ऐसे ठीक है, करम अल्लाह पाक का जबरदस्त मजे, पीछे से देख ली गाड़ी मेरी, नहीं मैंने अच्छा आपको आप लोगों का प्यार है जी, मैं सीधा जा रहा था, आपकी गाड़ी देखी है और मैं ना मुड़ के आपके पीछे पीछे आ गया, मैंने कहा वाह बड़ी बात है भाई यार, आप लोगों का प्यार है कसम खुदा की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है कोई बयान मुझसे मिलता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है की इतना प्यार देते हो आप सब। बाकी एक दो भाई और हैं मुझसे, मैंने कहा नाराज हुए मैं, पता नहीं वो लिए से आए हुए थे, कहाँ से आए हुए थे, बाकी मैं जिससे मिल सकता हूँ ना मैं उससे तो लाजमी मिलता हूँ। सीधा शोरूम पे रोटी छोटी हमने खा ली थी, वो साफ कर लूँ, वो भी बंद हो गई,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कह रहा था मैं, भूल गया गाइस, भूल गया। चलो न्यू स्टॉक को देखो, ये देखो एग्जियो रिबॉन, रिबॉन की एंट्री हुई है जी कराची नंबर की। सनरूफ वाली है, फुल ऑप्शन वाली है जी। और दिखाते हैं न्यू स्टॉक क्या आज का, गाड़ी आपको भाई पीछे लगाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? फैजान भाई ठीक हैं? आप इतने स्मार्ट क्यों होते जा रहे हैं? बस ऐसे ही है यार, थोड़ा सा रोटी रोटी खाया करें, और रोटी खाया करें, है ना गाइस, जिनको रोटी खाने की ज़रूरत है ना, स्मार्ट हो रहे थे भाई, पहले से और ज़्यादा मोटा हो गया। चलते हैं जी अंदर, क्या क्या खड़ा हुआ दिखाते हैं आपको। कैसे अंकल आप ठीक हैं? तो भाई ठीक है आपकी, ये प्रियस खड़ी है जी, फॉर्चुनर कौन सा रंग है, गन मेटालिक वाला ही है, बाकी वही पुराना स्टॉक ही खड़ा है जी, नहीं कोई चीज़ एडिशन नहीं हुई जी, अभी कोई चीज़ नहीं एडिशन नहीं हुई। चलते हैं सीधा ऑफिस में बैठते हैं, बाकी अपडेट देते हैं वो, किसी गाड़ी को पकड़ते हैं अभी, उसकी अपडेट देते हैं आपको। बड़े लोगों के सवाल थे गाइस के टोयोटा रिवो जी आर बताएं, तो आज ये खड़ा है जी टोयोटा रिवो जी आर 00 है, हाईलैक्स जी आर स्पोर्ट्स रिवो। और इसके अंदर बताते हैं कि पुराने डाले में और डाले में क्या फ़र्क आया है, तो मैं बताता चलूँ आपको। अलाइरिम्स इन्होंने चेंज किए हैं, ये वाले स्टार वाले दे दिए, तो ये पहले ब्लैक रंग में आती थी, अभी वाइट रंग में आ रही है, बीच में ब्लैक का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो पहले रोको के साथ आती थी मैट ब्लैक के अंदर, अब ये कर दी इन्होंने शाइनिंग ब्लैक, ग्लोसी ब्लैक के अंदर इन्होंने अब कर दिया है। और क्या चेंजिंग किए इन्होंने, पहले ये 4x4 का स्टिकर पहले पीछे आता था बड़ा वाला, अब इन्होंने छोटा था यहाँ कर दिया है। दूसरी चेंजिंग इन्होंने की है ये लगा के, अब ये पता नहीं ये इस तरह पकड़े खड़ा करना पड़ता है या पता नहीं किस तरह करना पड़ता है, तो इस तरह इन्होंने अभी डंडा भी लगा दिया है। और क्या चेंजिंग किए इन्होंने, और इंटीरियर में सीटें चेंज की हैं, रेड स्टिचिंग कर दी इन्होंने, नहीं फैब्रिक भी दिया बीच में, अच्छा बीच में फैब्रिक दिया है, साइड पे लेदर दिया है, और पीछे वाला तो वैसे इसमें कंफर्टेबल होता ही नहीं है, लेकिन इसमें जो मज़ेदार वाली बात, ये मज़ेदारी नहीं आ रही ना, वो मज़ेदारी पता क्यों नहीं आ रही, ये देखें ये इन्होंने इतना बड़ा धोतू लगा दिया है, इसकी वजह से टायर अब छोटा लग रहा है, गाड़ी चौड़ी लग रही है, तो इस वजह से ना मज़ेदार नहीं लग रही। और इसमें क्या कीलेस एंट्री दे दी, यानी कि बटन दबाएंगे खुल जाएंगे, पहले इसके अंदर नहीं था, ये साइड मिरर इसने काले आ गए, पहले वाइट ही होते थे, जी आर की बैजिंग इधर भी लगा दी है। फ्रंट पे दिखाते हैं क्या चेंजिंग की है, फ्रंट पे कोई चेंजिंग भाईजान? कोई चेंजिंग फ्रंट पे नहीं की, सिर्फ ये बम्पर हल्का सा चेंज करके, ये टोयोटा का मोनोग्राम जो है ना ये चेंज किया है, बस उसके अलावा कोई भी इन्होंने चेंजिंग नहीं की। बाकी हमारे आ गए सभी भाई, कैसे हैं आप सभी भाई? तब ठीक है आपकी, मुझे ये बताएं कि जी आर में कोई इतनी चेंजिंग इन्होंने कुछ की है, प्राइस कितनी हुई इस टाइम? 170 का होगा नया, 1,65,70,00,000 का नया है, 1,70,00,000 वाली कोई चीज़ है इसमें? है तो नहीं है। तो फिर वही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि 1,70,00,000 भी ले रहे हैं और चीज़ें भी कोई नहीं चेंजिंग की। आप मुझे बताइए अच्छा लग रहा है ऊपर ये धोतू लगाए इन्होंने पकड़ने वाले? जी अपन लगा दिए, कुछ भी लगा दें अच्छा लगता है। ये भी है जी टोयोटा वाले, टोयोटा वाले कुछ भी कर दें जी, सब कुछ ही अच्छा है। बहरहाल हम रिव्यू की तरफ थे, तो फ्रंट तो बस ठीक ही है, मुझे तो कोई इतना खास नहीं लगा 1,70,00,000 खर्च करने के बाद, इतनी कोई खास चीज़ इसके अंदर नहीं है। आगे से दिखा दूँ आपको, आगे से क्या पोजीशन है इसकी, आगे से जी LCD का स्टाइल चेंज किया है, इससे अच्छी तो पहले वाली LCD थी, कम से कम बड़ी तो थी, ये तो बिल्ली की बच्ची लगा दी इन्होंने, पहले वाली LCD बड़ी थी 10 इंच वाली थी, अरे देख रहे हैं इतना साइज कर दिया अंदर से, और रूफ ब्लैक कर दिया जी, बाकी कोई इतना कोई खास चेंजिंग है कोई नहीं, सिर्फ ये GR वाला ही सिस्टम स्टीयरिंग में किया है। और मीटर भी दिखाते हैं आपको, और उससे पहले आ गए हमारे आकाशा भाई, अस्सलाम भाई साहब, उम्र मुबारक हो आपको, हमारी खजूर पानी बिल्कुल जरूर क्यों नहीं रखी हुई है। अच्छा और चक्कर आपको खजूर भी खिलाते हैं, दम-दम भी पिलाते हैं। सर आप बैठे हैं अंदर, कैसे हैं आप? ठीक है, घर से ठीक हो गए? आज रिव्यू करके मैं आया, अपने व्यूअर्स को दिखा दो ना। अच्छा ये ब्लैक कर दिया है सीटें फ्रंट वाली जी, बीच में फैब्रिक है नजर आ रहा होगा, साइड पे लेदर है, मतलब फैब्रिक अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है। अभी तक भी इन्होंने कंसोल बॉक्स चेंज नहीं किया, वही पुराना का पुराना 2016 से एक ही कंसोल चलता आ रहा है, बस 1,70,00,000 लगाने के बाद भी। ये क्या चीज़ है जी? अच्छा ये कौन था, इन्होंने कोई सीक्रेट दिया गाइस इन्होंने कोई, ये देखें वो चाबी लगाओ, अच्छा इधर भी चाबी लगती है। बाकी कंप्लीट रिव्यू ना आपको उसको मैं सुबह दूंगा दिन में, ये तो मैं वैसे भी आया था, तो मैंने किसी गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज देते हैं कुछ इतना भी है। वैसे ये गाड़ी भी अच्छी है, आजकल ये बड़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, क्योंकि टिकटॉक का जो है वो टिकटॉक स्टार पतलू वो यूज़ कर रहा है आजकल ये,
PJ40 ये अपने पास वाइट कलर में भी खड़ी है और ब्लैक कलर में भी खड़ी है। मैं दिखाता चलूँ इसके अंदर से पोजीशन क्या है। ये ऐसे है कुछ अंदर से, ये वैसे अच्छी लग्जीरियस फील आती है इस गाड़ी को ना देख के। ये इसकी छत वगैरह भी खुल जाती है ये देखें, और इसी के अंदर हमारे पास ब्लैक कलर भी खड़ा हुआ है। ब्लैक कलर का नंबर लगा हुआ है पंजाब का, किसी भाई को भी चाहिए हो रब्ता कर ले, कमेंट्स में कह दे जहाँ दिल करे कह दे। ये है जी ब्लैक ब्लैक, वरना इसके अंदर ब्लैक रेड की ऑप्शन भी होती है। ये देखते चलें, इसका भी इंशाल्लाह सुबह कोई स्मेल आ रही है गाड़ी में, गंदी गंदी स्मेल आ रही है। मीटर चेक कर लेना कैसा सेक्सी स्मैक्सी मीटर है। आया है क्या बात है, क्या बात है। बाकी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी गाड़ियों की रिपोर्ट देते रहेंगे डेली बेसिस पे। इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वो भी मैं कल को 90 लाख के करीब करीब है। बाकी गाड़ियाँ बहुत खड़ी हैं, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। वैसे प्यारी लग रही थी वाइट कलर में ना, ब्लैक में भी प्यारी लग रही थी, वाइट में भी प्यारी लग रही है। अच्छा वो नया फॉर्च्यूनर की एडिशन हुई थी वो देख नहीं रहा था मैं स्टार्टिंग में, वो कौन सा कलर है, वो मेहरून कलर है। ये मैं समझा ये वाला गल मटाली वाला खड़ा है अपने पास ना, लेकिन वो दूसरा एडिशन हुआ पेट्रोल में है, वो मेहरून कलर है, कलेजी कलेजी कलर नहीं होता वो वाला कलर है। ये देखें नज़र आ रहा होगा, फील हो रहा होगा दूर से शेड पटर होगा, कलेजी है, अदाने हो रही है गाइस। ये तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आपका भाई उमर शेख।